और चलिए अब सीधे रुख करते हैं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद का, जहां से अमित शाह सीधे क्या कुछ कह रहा है ये सुनते हैं। पहले और दूसरे चरण में सपा का सुपड़ा साफ, 300 से ज्यादा सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आपने 2014 में एक भाजपा को जिताया नहीं जिताया? जोर से बोलो, जिताया नहीं जिताया? 17 में किसको जिताया? 19 में किसको जिताया? और 22 में जिताकर एक बाउंड्री लगा दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर एक राज्य बनाएंगे। मित्रों, यहां पर जब मैं आया हूं तब इतना कहना चाहता हूं कि हमने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। जब हमारी सरकार बनी 2014 में, भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार दलित गरीब पिछड़े वर्ग की सरकार, और आज उत्तर प्रदेश में जो 5 साल सरकार चली और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की 7.5 साल सरकार चली, मोदी जी ने ढेर सारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश के लिए भेजा और योगी जी ने हर गरीब के घर में वो योजनाओं को पहुंचाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मित्रों, इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है उत्तर प्रदेश में, 1,67,00,000 माताओं को गैस का चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 1,67,00,000, 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों, 1,41,00,000 गरीबों के घर में, 1,41,00,000 गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे बताओ सिकोहाबाद वालों, ये साइकिल की सरकार थी, बिजली रानी आपके घर में आती थी क्या? आती थी क्या? अब योगी जी ने ग्रामीण क्षेत्र में 22 से 23 घंटा और शहर में 24 घंटा बिजली पहुंचाने की शुरुआत करी। अगर फिर से सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे, 200 यूनिट की क्या बात करते हो, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते। मित्रों, हमने 2,60,00,000 घरों में एलईडी के बल्ब पहुंचाए हैं और उत्तर प्रदेश में आप मुझे बताओ भाई, माताएं भी बताएं, कितने लोगों ने टीका लगाया है? जरा हाथ ऊपर करो तो, सबका लगाया ना? लग गया सबका? भाई, ये अखिलेश जी कहते थे कि टीका मत लगाइयो, ये तो मोदी का टीका है। डरकर बाद में अखिलेश ने भी अपना टीका लगा दिया। मगर एक बात मुझे बताओ भाई, अगर मोदी जी ने टीका न लगाया होता तो तीसरी लहर में उत्तर प्रदेश की जनता सुरक्षित रहती क्या? जरा जोर से बोलिए, रहती क्या? नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ लोगों को टीका लगाकर उनको सुरक्षित करने का काम एक भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, जब कोरोना आया सभी लोगों के मन में संशय था
कि कैसे गरीबों के दिन गुजरेंगे, रोजी रोटी कैसे मिलेगी। रेडी पटरी बंद हो गई, ऑटो रिक्शा बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, रोजगार लाकर रोज खाने वाले लोगों के लाले पड़ेंगे। मगर मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक 5 किलो अनाज प्रति माह मुफ्त में देकर गरीबों के घर में चूल्हा जलाने का काम किया है। और योगी जी ने इसके साथ तेल, दलहन और नमक देने का काम किया है। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि। 82 लाख गरीबों के घर में घर ही नहीं था, उनको प्लॉट और घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 2 करोड़ 45 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया उनके बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर करकर 2300 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों को भेजना चाहिए। मित्रों, मैं बताने आया हूं कि 5 साल एक और मौका दे दीजिए, 5 साल तक उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान को बिजली का बिल नहीं भरना है। हम बिजली मां। हर बच्ची जो 12वीं पास करेगी उसको स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। हर युवा जो इंटर में एडमिशन लेगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, उसको लैपटॉप और स्मार्टफोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, आप मुझे बताओ, यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, यहां पर कोई माफिया बाहुबली है क्या? जरा जोर से बोलो, है क्या? है क्या? सारे के सारे जेल में डालने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने करा है। उत्तर प्रदेश में एक भी बाहुबली नहीं है, कोई है तो बजरंग बली है, इसके अलावे कोई नहीं। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया है। मैं आपको कहने आया हूं, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए, 2 नंबर से देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का काम हम उत्तर प्रदेश को करेंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 10 साल तक इस सपा बसपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में 2 पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों ने समर्थन देकर 10 साल तक कांग्रेस की सरकार चलाई। और कांग्रेस की सरकार चलती थी तब आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया भारत में घुस जाते थे। मित्रों, भारत में घुस जाते और हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते। कांग्रेस वाले कुछ नहीं करते थे क्योंकि उनकी वोट बैंक बर्बाद होती थी। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, कमल फूल की सरकार आई, हमने उरी और पुलवामा पर जब हमला हुआ, 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा, भारत की सीमा और भारत की सेना उसके सामने
आंख उठाकर कोई देख नहीं सकता मित्रों, आंख उठाकर।